नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके YouTube चैनल द डबल हेलिक्स में। मेरा नाम है विष्णु शर्मा और आज हम बात करेंगे डबल ग्रॉस ओवर के बारे में। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक, डबल क्रॉस ओवर और डबल रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, क्या डबल क्रॉसओवर और डबल रिकॉम्बिनेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे चार नंबर में डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, चार नंबर में 4 मार्क्स याद रखना। ये गलत किया तो 4 नंबर गए, इनफैक्ट 5 जाएंगे, गलत होगा तो 1 माइनस में भी तो जाएगा, है ना? तो देखते हैं डबल क्रॉसओवर क्या होता है। अब देखो होता क्या है, थोड़ा सिंपल तरीके से समझाता हूँ बेसिकली, कि तीन जीन्स हैं। क्या तीन जीन हैं? कौन कौन? मान लो तीन दोस्त हैं हमारे पास, कौन कौन से? एक राम, एक श्याम और एक घनश्याम। ठीक है, ये तीन दोस्त है। ओके, हाँ तो देखो, देखते हैं क्या करते हैं तीनों, राम और घनश्याम और कौन, राम श्याम और घनश्याम, तीनों एक दूसरे से क्या है, लिंक्ड है। क्या है? लिंक्ड। तो दैट मीन्स के इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट नहीं ले सकते, मतलब फ्री नहीं है कहीं भी अपनी पोजीशंस चेंज करने के लिए। ओके, मतलब तीन जीन है ए बी और सी। ये अब ये तीनों ही क्या है, एक दूसरे से क्या है, लिंक है, है ना? क्या है? लिंक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो बीच वाला है ये तो दोनों से ही लिंक है, जो श्याम है ये दोनों से लिंक है श्याम, और ये घनश्याम है ना। तो इसके लिए तो और भी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं कि भैया ये क्रॉसिंग ओवर नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? क्रॉसिंग ओवर नहीं कर सकता। क्लियर जी सर। क्योंकि ये दोनों से लिंक है ना, तो इसके ऊपर तो रेस्ट्रिक्शन और बढ़ जाएंगे। भाई राम और घनश्याम तो खाली श्याम से ही लिंक है, पर श्याम तो दोनों से लिंक है, तो ये तो इजीली मूवमेंट नहीं कर सकता। या राम और श्याम एट अ टाइम एक साथ मूवमेंट नहीं कर सकते। क्लियर? यस सर। तो अब देखते हैं कि कैसे डबल क्रॉसिंग ओवर होता है और कैसे क्या बनते हैं, इसे क्या बोलते हैं, थ्री पॉइंट टेस्ट क्रॉस। क्या बोलते हैं इसको? थ्री पॉइंट टेस्ट क्रॉस, मतलब तीन जीन्स के रिगार्ड में हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट क्रॉस करवा रहे हैं। ओके, तो देखो मान लो कोई प्लांट है, उसका जीनोटाइप क्या है, ए ए बी बी एंड सी सी। क्लियर? ओके जी सर। इसका हमने क्रॉस कराया ए ए बी बी एंड स्मॉल सी से, तो एफ वन में क्या आएगा? हाँ, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। ओके, तो अब देखो इसमें क्या होता है, मान लो ये हमारी होमोलोगस सेट है, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, ये कैपिटल वाला है, ठीक है, थोड़ा बड़ा, तो यहाँ पर क्या है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। तो फिर जो एफ वन जो प्रोजेनी होगी उसमें क्या आएगा, कैपिटल ए
है ना, कैपिटल बी एंड स्मॉल ओ कैपिटल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी, क्लियर? इतना क्लियर हुआ पहले? हाँ, क्या कराया इसका? टेस्ट क्रॉस कराया। क्या कराया? टेस्ट क्रॉस, ठीक है। तो टेस्ट क्रॉस में क्या होगा? स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। तो हमें कितने तरीके के वो मिलेंगे ये बताओ, गैमीट। हाँ, इसके ये कितने तरीके के गैमीट बनाएगा ये कोई बताएगा? एट तरीके के सर। हैं? एट सर। एट, हाँ, क्योंकि फॉर्मूला क्या है? टू की पावर एन। एन क्या है? नंबर ऑफ हेड हो जाएगा, नंबर ऑफ हेड हो जाएगा। जी सर। जी सर। तो टू ऑफ थ्री आ जाएगा, तो टू इंटू टू इंटू टू। अब देखो पहली कंडीशन क्या, कंडीशन वन, कंडीशन वन क्या, कि कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। क्या है? कोई भी जीन क्रॉसिंग ओवर नहीं करता, ठीक है। तो क्या होगा बताओ? पेरेंटल, जो पेरेंट है वो दो तरीके के गैमेट बनाएगा, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। ओके, क्लियर है ना? जी सर। दूसरा क्या बनेगा गैमेट इसका? स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी पेरेंटल, ये क्या होंगे हमारे? पेरेंटल। ओके, कंडीशन सेकंड। जी सर। कंडीशन सेकंड क्या? ए ने क्रॉसिंग ओवर कर ली, क्या कर ली ए ने? क्या कर ली? क्रॉसिंग ओवर। आवाज कम कर लो। हाँ, क्या आएगा मतलब? ए जब क्रॉसिंग ओवर करेगा तो क्या करेगा? स्मॉल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी। दूसरा तरीके का गैमेट कौन सा बनेगा? हाँ, दूसरे तरीके का गैमेट बनेगा क्या? कैपिटल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। इतना क्लियर हुआ? जी सर। कंडीशन जी सर, कंडीशन थर्ड क्या, कि जो सी जीन है ये क्रॉसिंग ओवर कर रहे अकेला, क्या ए ने ए अब ए करे या तो अकेला और या फिर क्या कर जाए? और ये पहले जो दूसरी कंडीशन थी ये कब थी? जब ए अकेला क्रॉसिंग ओवर कर रहा, बाकी कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं कर रहा, ठीक है, क्लियर। कंडीशन वन नो क्रॉस ओवर, कंडीशन सेकेंड सिंगल क्रॉस ओवर ऑफ ए, कंडीशन थर्ड सिंगल क्रॉस ओवर ऑफ सी, है ना? तो अब क्या होगा बताओ जी? नो टाइप वो गैमेट बनेंगे, वो कैसे होंगे? कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी। यहाँ क्या होगा? हाँ, स्मॉल ए स्मॉल बी और कैपिटल सी, क्लियर हो गया ना? अब कंडीशन फोर, कंडीशन फोर क्या है? कंडीशन फोर डबल क्रॉसओवर। अब यहां पर क्या आएगा? डबल क्रॉसओवर ऑफ ए एंड सी, ठीक है। क्या डबल क्रॉसओवर ऑफ ए एंड सी? मतलब ए ने भी क्रॉसिंग ओवर की और सी ने भी क्रॉसिंग ओवर की,
ठीक है, क्लियर जी सर। या फिर अगर हमें और सिंपल तरीके से समझना है तो सीधी सी बात है, ए और सी का क्रॉसिंग ओवर नहीं कराएंगे, हम किसका क्रॉसिंग ओवर करा देंगे, बी का। इसका अगर बी क्रॉसिंग ओवर करेगा ठीक है, तब भी सेम रिजल्ट आएंगे कि ए और सी एक साथ क्रॉसिंग ओवर करें। क्लियर, समझ में आ रहा है या नहीं, ये बताओ मुझे। सर ये वाला नहीं समझ रहा। अगर कोई बीच वाला चीन क्रॉसिंग ओवर ठीक है, तो जो रिजल्ट होगा वो डबल क्रॉस ओवर का ही आ जाएगा। देखो अभी अभी मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। देखो अभी हम ए और सी दोनों का कराते हैं, ठीक है, क्या कराते हैं, ए और सी दोनों का कराएंगे। तो ए ने भी क्रॉस किया और सी ने भी उसी के करस्पॉन्ड में क्रॉस कर लिया, तो बताओ मुझे क्या क्या यहाँ पर आएगा, बताना मुझे। स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, है ना, कैपिटल ए स्मॉल बी और कैपिटल सी, ये आएगा ना। अच्छा अब अगर मैं ये कहूँ कि भाई ये ए और सी नहीं कर रहे, कौन कर रहा है, बी क्रॉसिंग ओवर कर रहा है, ठीक है, किसने किया, बी ने क्रॉसिंग ओवर किया, तो आप बताओ क्या आएगा। हाँ सो वही आएगा, वही आएगा ना दे। तो ऐसे ही, बट अब ये बी नेचुरली क्रॉसिंग ओवर नहीं कर सकता है, क्योंकि ये किससे लिंक है, ए से भी और बी से भी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रख रही है कि डबल क्रॉस ओवर की जो फ्रिक्वेंसी होगी वो सबसे कम होगी, कितनी होगी, सबसे कम, मतलब कि 100 में कोई 0.25 या 0.5% ही क्या होते हैं, डबल क्रॉस ओवर होंगे, ठीक है। जो नंबर होगा डबल क्रॉस ओवर का वो लीस्ट होता है, सबसे लीस्ट, सबसे कम होगा, ओके सर, क्लियर हो गया इतना, सर ये चीज, यस सर, क्लियर आउट, यस सर, कोई दिक्कत इसमें अब तक, नो सर, नो। अब देखते हैं रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे और जीन्स के बीच में डिस्टेंस कैसे पता करेंगे, जो डबल क्रॉस ओवर के प्रोडक्ट है उनसे, ओके। तो ये चीज हमेशा दिमाग में रखनी है, ये 8 तरीके की जो गैमीट हैं, पहला गैमीट, दूसरा गैमीट, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवा और आठवां, क्लियर। और सिंगल क्रॉस ओवर ऑफ बी, है ना, बी अगर सिंगल क्रॉस ओवर करेगा तब भी वही मिलेगा रिजल्ट हमें, क्योंकि बी क्या है, बीच में है और दोनों से ही लिंक है, क्लियर जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सर ये वाली चीज समझ में नहीं आई, अगर बी सिंगल क्रॉसओवर करेगा तो कैसे ये वाला आ जाएगा, क्योंकि बी दोनों से लिंक है, तो जब दोनों ही क्रॉसओवरिंग ओवर करेंगे या बी अकेला क्रॉसिंग ओवर करेगा तो वही रिजल्ट आएगा सर। वही तो, अगर ए और सी करते हैं तब तो ठीक भी है, लेकिन अगर बी अकेला करेगा तो या तो वो ए के साथ में क्रॉसिंग ओवर करेगा या सी के साथ नहीं, में? नहीं, बी इंडिपेंडेंट वो क्रॉसिंग ओवर कर रहा है, ए और सी के साथ नहीं करेगा, तो सर वो सिंगल क्रॉसिंग ओवर जाए, डबल क्रॉसिंग ओवर थोड़ी ना हो जाएगा, बट रिजल्ट जो आएगा वो डबल क्रॉसिंग ओवर का आएगा ना। फिर कैसे, एक बार ये बता दीजिए। अरे बेटा ये बताओ, ए बी और सी, ए बी एंड सी, अब मुझे ये बताओ ए ने भी क्रॉसिंग ओवर किया और सी ने भी क्रॉसिंग ओवर किया, तो यही तो दो रिजल्ट आएंगे, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, ये आएगा ना जी सर।
अब अगर दूसरी कंडीशन में ये अगर अकेला क्रॉसिंग ओवर कर रहा है, कौन सा? हाँ सर, बी 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 अपने आप में बी से कर रहा है तो आ जाएगा, तो आ जाएगा ना बी सर। हाँ तो अब क्या होगा ये बताओ। हाँ तो सर ए स्मॉल बी कैपिटल सी, कैपिटल सी कैपिटल सी स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, वही रिजल्ट आया, कोई चेंज नहीं है। क्योंकि बी अगर बी क्रॉसिंग ओवर तभी करेगा क्योंकि ये बहुत कम करेगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों से ही लिंक है। नहीं सर ये नहीं समझ में आ रहा था ना कि बी जो है अपने ही उससे करेगा, मतलब दूसरे उसके बी से ही कर लेगा। हाँ बी से ही करेगा, बी ऐसे कैसे क्रॉसिंग ओवर कर लेगा, ये तो ये जो जीन अलग अलग है ना, क्रॉसिंग ओवर होमोलोगस जीन और सेम जीन के बीच में होती है, होमोलोगस क्रोमोसोम और सेम सॉरी एलीलिक जीन्स के बीच में ही क्रॉसिंग ओवर होती है, जो एलील्स है वही तो क्रॉसिंग ओवर करेंगे, क्योंकि इनके बीच में ही क्या है जो रीजन है, जो सीक्वेंस है डीएनए का वो कैसा है, सेम है जी सर, ठीक है, तो सेम है तभी तो ये क्रॉसिंग ओवर कर पाएगा। क्रॉसिंग ओवर करेगा फिर यहाँ हॉलीडे जंक्शन बनेगा, ना जाने क्या क्या होगा, इसको वहाँ 11 आएगा और बाकी सब चीजें होंगी, चलो तो ठीक है। हाँ तो देखो अब आगे क्या हो रहा है इसमें, तो यही चीज है। अब हमने यहाँ पर क्या किया, डिस्टेंस दे दी, क्या क्या दे दी हमने, डिस्टेंस क्या कर दी, मेंशन कर दी कि हाँ भाई ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितनी है 10 मैप यूनिट, ओके, बी और सी के बीच में डिस्टेंस कितनी है 5 मैप यूनिट, ओके। तो देखो अभी कैसे होगा मैं बता रहा हूं, अब ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है 10, कितनी है 10, बी और सी के बीच में डिस्टेंस कितनी है 5, क्लियर। ठीक है ये हमारा क्या है एफ वन है, एफ वन ऐसी तो मिलेगा हमको। अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ प्रोपोर्शन पता करना है, कौन सा गैमेट कितना बनेगा, ठीक है कितना बनेगा देखते हैं। तो यहां पर भी ये होगा ए बी सी, ए बी सी, तो इससे तो कोई मतलब नहीं, चाहे ये क्रॉसिंग ओवर करे चाहे ये करे चाहे ये करे, हमेशा सारे के सारे गैमेट कैसे बनेंगे, ए बी सी वाले बनेंगे, है ना, क्लियर जी। भाई चाहे कोई भी जीन क्रॉसिंग ओवर करे हमेशा रिजल्ट यही आना है, तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, भाई सेम टू सेम क्या है जीन है हमारे दोनों साइड में होम हो जाएगा जीन है जैसे सेम कंडीशन में, ओके जी। तो अब देखते हैं कैसे आगे बढ़ेगा, तो अब ये बताओ पेरेंट ये कितना टोटल कितना है, टोटल कितना ये बताओ, 10 और 5 15, ठीक है ठीक है जी सर। तो अब ए बी और सी वाले और ए बी सी वाले गैमेट कितने बनेंगे, कोई आइडिया है, नहीं बता पाओगे ये कैसा जीनोटाइप है हमारा, अरे ये फेस है पेरेंटल का तो ये मैक्सिमम बनेंगे, है ना। अच्छा ए के रिकॉर्ड में रिकॉम्बिनेंट कितने बनेंगे ये बताओ, जब ए क्रॉसिंग ओवर करेगा तो ए कैपिटल बी कैपिटल सी एंड
कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, तो ये कितने बनेंगे 10%, क्योंकि ए की बीच, ए से बी की बीच में डिस्टेंस कितनी है 10% है। ओके जी सर, क्लियर? यस सर। भाई 10 3 है तो 100 से करोगे तो क्या होगा, 10% रिकॉम्बिनेंट बन जाएंगे हमारे, है ना। अच्छा सी करेगा तो क्या होगा, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, कितने होंगे 5%, है ना, क्लियर। 5/100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटू 100 करेंगे तो 5 ही निकल के आ जाएगा। अब 5 में भी 2.5% ये वाले, 2.5% ये वाले, इस 10% में 5% ये वाले और 5% ये बनेंगे। इतना समझ में आ रहा है या नहीं? जी सर। अच्छा अब जो जो डबल, ये तो कैसे हैं, सिंगल क्रॉसओवर के रिजल्ट हैं। कैसे हैं ये, सिंगल क्रॉसओवर के रिजल्ट। अब डबल क्रॉसओवर के रिजल्ट कैसे निकालेंगे? हाँ डबल क्रॉसओवर के रिजल्ट कैसे निकालेंगे पता है, 10/100 इंटू 5/100। क्या 10/100 इंटू 5/100, तो इससे जब ये काटोगे इससे ये काटोगे तो कितना होगा, हाँ 1/200। नहीं कुछ और ही आएगी, 0. कितना आएगा, .005 आ जाएगा, है ना, यही आएगा ना सर, या कुछ और आएगा, यही आएगा। हाँ तो 0.005% में निकालेंगे तो कितना आएगा, 0.5% क्या मिलेंगे हमें, डबल क्रॉस ओवर, क्या मिलेंगे, डबल क्रॉस ओवर मिलेंगे, क्लियर। ये चीज क्लियर हुई या नहीं? यस सर जी सर, डबल क्रॉस ओवर है। हाँ तो डबल क्रॉस ओवर की जो फ्रीक्वेंसी है सबसे कम आएगी। ओके हाँ, तो टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट कितने हो जाएंगे बताओ, टोटल रिकॉम्बिनेंट कितने हुए, 10% प्लस 5% प्लस कितने, 0.005, ठीक है, तो कितना आएगा 15.005%। यस, तो पेरेंटल कितने हो गए, 100 - 15.005 इक्वल टू आएगा 84.995, दैट्स इट, क्लियर। तब ऐसे एक दो क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, करो जरा, अभी आएंगे, रुक जाओ, घबराओ मत, भागो नहीं। मेरे कहाँ पहुंच गए,
हाँ ये बताओ इसमें डबल क्रॉस ओवर की फ्रीक्वेंसी निकाल के दिखाओ। चलो सर एक 5 है दूसरा 20 है, किससे 20 है? 20 है सर। हाँ 20 20 20। ओके तो जरा डबल क्रॉस ओवर की फ्रीक्वेंसी निकालनी है बस आपको, बाकी किसी और की नहीं। So, 1.25 सर आपने ऐसे तो बताया था। 1.25 कैसे आ जाएगी बेटा? भाई 5/100 × 20/100 यही तो बता रही थी मैंने। अच्छा फिर सर मैंने 25 लिख दिया। ओह गॉड कंफ्यूज हो। सर 0.1 कितना आया ये? 0.01 कितना आएगा? 0.01 आएगा ना डबल क्रॉसओवर की। ओके जी सर क्लियर। जी सर। सर एक बार वो वाला बता दीजिए जैसे कुछ क्वेश्चंस में ये वाला आता है डबल ए और डबल बी करके आता है मतलब कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कैपिटल बी कैपिटल बी और कैपिटल सी हाँ और दूसरी तरफ ऐसी स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। चलो ठीक है लो अब इसमें क्या है? सर इसी का ही निकलता नहीं है कई बार क्योंकि सिंगल में तो हम लोग निकाल लेते हैं लेकिन डबल में प्रॉब्लम हो जाती है। क्या नहीं आता? कंफ्यूज हो जाता है सर। में क्या आएगा ये बताओ? ए बी सी तो इसे हम ऐसे दे सकते हैं ए बी बी सी सी। अब इसमें क्या दिक्कत आती है? क्या दिक्कत आ रही बताओ सर इसमें? जैसे ये लास्ट में जो हम लोग क्रॉसिंग ओवर करते हैं ना तो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी करके निकाल लेते हैं लेकिन ये नहीं निकलता सर। एक बार इसको बता दीजिए कैसे निकालेंगे हम। तो बताया तो था मैंने अभी गैमेट बना करके इसके बीच में देखो क्रॉसिंग ओवर करके कैसे गैमेट निकलेंगे। जी सर अभी जो बताया था ना वही तो है ये तो वही चीज है यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। हाँ और क्या हर जगह यही वही जेनेटिक्स तो जो रूल है वही फॉलो होगा ना। ओके सर ठीक है सर ये निकाल लेंगे देखेंगे सर अगर हो जाता है तो ठीक है। दूसरा जो अब मैं आपसे पूछता हूँ सपोज करो मैंने अभी क्रॉस कराया ए ए बी स्मॉल बी कैपिटल सी का स्मॉल ए सॉरी कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी का। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे जो क्या है इस वाले जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी बता दो कितने परसेंट बनेगा। ठीक है जी सर। कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी इसकी फ्रीक्वेंसी बताओ कितनी आएगी कितने परसेंट होंगे ऐसे वाले तो कैसे निकालोगे? सर यही कंफ्यूजन हो जाते जैसे होमोजाइगस। तो देखो इसका लिए सबसे अच्छा आसान तरीका है सिर फोड़ने का। क्या है? सिर फोड़ो। जी सर कैसे? इसका सिर फोड़ो इसके साथ। क्या? इसका सिर फोड़ो इसके साथ
तो जब हम मान के चलो मोनो मोनो हाइब्रिड कराते हैं, ये चीज ध्यान रखने की है बस, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, यही तो है यहाँ पर जी सर। तो यहाँ पर क्या आएगा ये हमें कौन सा पूछा है, ये वाला है ना। हाँ सर जी। तो चार में से दो बन रहे हैं हमारे, तो इसे हम 1/2 ले सकते हैं। हाँ सर। अच्छा अब क्या पूछ रहा है, कैपिटल बी का इसका इससे कराएंगे तो सेम चीज ही हो जाएगी, तो इसमें भी चार में से दो बनेंगे। बनेंगे नहीं, अरे ए की जगह पर बी कर दो बस। अरे अब इसका सिर्फ बोड़ लिया, अब इसका इसके साथ बोड़ो सर। ये तो जैसे ये तो प्रोबेबिलिटी टाइप हो गया ना, ये तो निकाल लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे इसमें होमोजाइगस दिया हुआ है कैपिटल ए कैपिटल बी, अगर हम ऐसे करते तो ऐसे हम क्रॉस करके निकाल लेंगे, लेकिन कहीं पे कैपिटल ए स्मॉल ए दिया है तो इसमें क्रॉसिंग ओवर पूछ के रिकॉम्बिनेंट की फ्रिक्वेंसी पूछी है तो कैसे निकालेंगे। वो सब भी आएगा, रुक जाओ धीरे धीरे। अगर होमोजाइगस नहीं है हेटेरोजाइगस है तो वो भी ऐसे ही हो जाएगा सेम टू सेम। सर वही कंफ्यूजन रहता है कि कई बार करने की कोशिश करते हैं पर ये वाला नहीं होता। अच्छा एक काम करना, कोई एक क्वेश्चन जो क्या है ग्रुप पे डालना, ठीक है, जो कुछ स्टार्ट ठीक ठीक है उस क्वेश्चन कल क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ओके सर, आपको समझ में आ जाएगा इजीली। हाँ 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 ठीक 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 है सर, है ना जी सर। ठीक है उस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करेंगे। हाँ बोलो सर। वो आपने नीचे वाले में इनटू 100 क्यों नहीं किया सर, इसमें 100 नहीं किया सर, वो डबल क्रॉसओवर वाले में। उसमें 100 कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं, 100 करके निकालोगे तो पॉइंट बना जाएगा। वन नहीं, 100 से इनटू करेंगे तो वन आएगा। हाँ वन आएगा सॉरी। वो कोई 100 तो करना ना करना आपके ऊपर है कि आपको परसेंटेज में निकालना है या उसमें एक्चुअल जो फ्रीक्वेंसी है वो निकालना है। सर लेकिन वो एग्जाम में कंफ्यूज कर देंगे ना सर, वो 1 दे देंगे 0.01 दे देंगे। अगर आपको फ्रीक्वेंसी पूछी है परसेंटेज में तब तो आप 100 करना, नहीं पूछी तो क्यों करोगे। ओके ठीक है। अगर आपको परसेंटेज में पूछा है तब आप 100 करोगे, परसेंटेज में नहीं पूछा है तो 100 नहीं करोगे। जैसे मैंने इस केस में 100 नहीं किया, इसके साथ में 5/100 किया है और 20/100 किया है तो क्या होगा बताओ, 0.01 ही आएगा ना जी। जी बस, तो 100 करने की जरूरत क्या है। ओके सर चलिए ठीक है।